एडिशन जो है ना वो ये होता है कि ये एक सिस्टम होता है आप लोगों को पता होगा जिसको कहते हैं, एक तो आप पानी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, सबसे पहला और तरीका काम क्या है वो ये होता है कि जो आपके पास एक सॉफ्टनर लगा होता है, ठीक है ना, इसमें सोडियम जियोलाइट यानी सोडियम एल्यूमिनियम आर्थोसिलिकेट मौजूद होता है, ठीक है, तो एक तो पानी आप इससे बनाते हैं जिसको आप कहते हैं सॉफ्ट वाटर, ठीक है ना, ये सॉफ्ट वाटर। एक दूसरा तरीका क्या होता है जिसको हम कहते हैं डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस, क्या कहते हैं डीमिनरलाइजेशन। डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है कि एक बैड होता है जिसको हम कहते हैं वीक कैटाइन, दूसरा होता है स्ट्रॉन्ग कैटाइन, उसके बाद तीसरा होता है वीक एनाइन और चौथा होता है स्ट्रॉन्ग एनाइन, ठीक है ना। ये चार बैड जब कहीं लगे हो तो हम क्या कहते हैं डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। अब जब हम इसको डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं ना तो होता क्या है, यहाँ पर जो रेजिन होते हैं जिस तरह के आपके पास ये रेजिन है, रेजिन दुनिया में आमतौर पर पांच किस्म के मिलते हैं, ठीक है, और वो पांच किस्म क्या होते हैं, क्या होते हैं रेजिन, ये होते हैं हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर्स। इन हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर्स को बहुत सारा टेम्परेचर दिया जाता है और टेम्परेचर देने के बाद क्या करते हैं उसको एकदम कंडेंस करते हैं। जब कंडेंस करते हैं तो वो रेजिन, बेटा ये चाय रख दो फिर उसके बाद दोबारा कमरे में नहीं आना, ठीक है ना, ठीक है, फिर वो डिस्टर्बेंस होती है। तो अब क्या करना है हमको कि वो जो रेजिन है ना, ये बारीक बारीक रेजिन जैसे राई होती है, आपने सोडियम जियोलाइट तो देखा होगा फूड वाले, आप सब फूड से बेटा, तो जिस तरह राई होती है ना इस तरह के दाने होते हैं उनको रेजिन कहते हैं, ठीक है ना। तो जो जमीन में से नेचुरली रेजिन निकलते हैं ना उसका नाम होता है सोडियम जियोलाइट, इसको कहते हैं एब्रिविएटेड फॉर्म है, लेकिन उसका असल नाम क्या है, सोडियम एल्यूमिनियम ऑर्थोसिलिकेट, ठीक है, जो इसके अंदर मौजूद होता है जिसको हम सोडियम जियोलाइट कहते हैं। अच्छा अब ये तो हो गया नेचुरल, लेकिन नेचुरली इतना मिल नहीं सकता जितनी हमारे पास दुनिया भर में इंडस्ट्री है, तो हम क्या करते हैं कि फिर हम हाई मॉलिक्यूलर वेट जो है पॉलीमर्स होते हैं उनको बहुत टेम्परेचर देते हैं और टेम्परेचर देने के बाद उसको एकदम ठंडा करते हैं। जब वो ठंडा करते हैं ना तो उसको कहते हैं पहले उसको हीट देने के बाद जब कंडेंसेशन प्रोसेस करते हैं तो उस कंडेंसेशन प्रोसेस के दौरान इसके अंदर अगर आप कोई वीक नाइट्रिक एसिड डाल दें, सल्फ्यूरिक एसिड डाल दें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दें तो वो बन जाएंगे स्ट्रॉन्ग कैटाइन रेजिन, ठीक है। और अगर कंडेंसेशन के दौरान कोई वीक एसिड डाल दें, सैलिसिलिक एसिड डाल दें, कार्बोनिक एसिड डाल दें तो वो बन जाएंगे वीक कैटाइन। लेकिन इसी तरह जब उसके अंदर कंडेंसेशन के दौरान हम डाल दें कोई वीक अल्कली तो क्या बनेंगे वीक एनायन, और अगर कोई स्ट्रॉन्ग अल्कली डाल दें तो क्या बनेगा स्ट्रॉन्ग एनायन, तो ये रेजिन बन जाएंगे। अब जब हम पानी बनाते हैं ना डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस करते हैं तो इसके अंदर जब पानी दाखिल होता है ना यहाँ से तो इसके अंदर से ये एच शामिल होता है और पानी के अंदर जो कार्बोनेट होते हैं वो इसके साथ अटैच होते हैं तो बाई कार्बोनेट और कार्बोनिक एसिड फॉर्म में कन्वर्ट, ठीक है। अब ये कार्बोनिक एसिड बनता है यहाँ पर सल्फ्यूरिक, इसमें कार्बोनिक एसिड बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, और ये जो एनायन रेजिन है ना इसमें सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, नाइट्रिक एसिड बनेगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। ये सारी चीज़ें जो है ना ये मैंने आपको इस बैकग्राउंड, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट जब हम विजिट पे आएंगे ना आपके यहाँ
तो हम इसको कम्प्रिहेंसिव आपको डिफाइन करेंगे। अभी सिर्फ पर्टेन करने के लिए इनके क्वेश्चन को मैंने ये थोड़ा सा आपको एलिबोरेट किया। तो हमारे पास क्या बना, कार्बोनिक एसिड, ठीक है ना। तो ये हमारे पास जब कार्बोनिक एसिड बनेगा तो ये कार्बोनिक एसिड क्या होगा, ये कार्बोनिक एसिड इसके अंदर जब जाएगा, ऊपर से पानी शावर करेंगे, नीचे से फैन के जरिए हवा देंगे, तो ये कार्बोनिक एसिड डिकम्पोज होगा कार्बन डाइऑक्साइड में और पानी में, ठीक है। तो हमने क्या दी, यहां से एयर दी, और ये कार्बोनिक एसिड जो है डिकम्पोज होकर कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोनिक पानी में जब तकसीम हो गया, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे,